दोस्तों कुकिंग लाइव स्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ तिल और पीनट के बहुत ही टेस्टी लड्डू। ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इन्हें बनाना बिल्कुल आसान है, तो कैसे बनाए जाते हैं तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, गैस को बिल्कुल मीडियम कर दिया है। अभी यहाँ पर एक कप मैंने ये तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल होते हैं ना, वो लिए इसके अंदर। अभी ना तिल को एक मिनट तक हम अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, इनका जो कच्चापन हो ख़त्म हो जाए, इतना ही हम इसे रोस्ट करेंगे। अभी एक प्लेट में इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें साइड रख देंगे। अभी उसी कढ़ाई में यहाँ पर पीनट लिए हैं मैंने, यानी मूंगफली लिए हैं। तो एक कप मैंने मूंगफली ली है, ये कच्चे हैं तो इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। कम से कम एक से दो मिनट तक इन्हें रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो उसका छिलका है वो आसानी से उतरने लगे, इतना हम इसे रोस्ट कर लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह से दो मिनट हो चुके हैं मुझे अच्छी तरह से इसे रोस्ट करते हुए। तो अभी चेक करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर इसका छिलका आसानी से निकल रहा है, इतना ही हम इसे रोस्ट करना है। अभी इसे एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे, बाद में हम इसके छिलके हटा लेंगे। आसानी से छिलके हट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसी कढ़ाई में यहाँ पर मैंने आधा कटोरी बादाम लिए हैं, आप इसकी जगह जैसे और भी ड्राई फ्रूट आप जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, तो बादाम को भी हम एक मिनट तक रोस्ट कर लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है ख़त्म हो जाए और लड्डू में अच्छा टेस्ट आए। अब ये देखिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा मैं तरीका बताती हूँ कि जो ये पीनट के छिलके हैं वो आसानी से उतर जाएँ। तो यहाँ पर एक किचन टावल लेंगे, उसके ऊपर सारी जो मूंगफली है उसको डाल देंगे। अभी हाथों से ऐसे हिला देंगे तो ये जो छिलके हैं आसानी से निकल जाएंगे। जो हार्ड होती हैं उसके छिलके थोड़ा सा लेट निकलते हैं, तो उनको ऐसे हाथों से मसल कर निकाल देंगे और जो बाकी हैं वो जल्दी ही ऐसे निकल जाएंगे। अभी से एक कड़छी ली है मैंने, जो जिस कड़छी से हम पूरी फ्राई करते हैं ना, वही कड़छी ली है, तो उसे सारे छिलके नीचे निकल जाएंगे। तो देखिए सारे मैंने पीनट को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अभी यहाँ पर जार में डाल देंगे और इसका हम बहुत ही अच्छे से पेस्ट पाउडर बना लेंगे। तो देखिए बहुत ही अच्छे से पाउडर बना लिया हमने पीनट का, ये देखिए। अभी इसे एक प्लेट में निकाल देंगे, बहुत ही अच्छे से पाउडर बनाना है, कोई भी इसमें बड़ा पीस नहीं होना चाहिए। अभी इस प्लेट को हम साइड में रख देंगे। अभी वही जार लेंगे और यहाँ पर इसमें जो हमने ये तिल को रोस्ट किया है ना, वो तिल इसके अंदर उनका भी हम पाउडर बना लेंगे। इसमें से कुछ हम 3 से 4 चम्मच ये तिल निकाल लेते हैं और बाकी का हम यहाँ पर पाउडर बना लेंगे। अभी ढक्कन लगा देते हैं और चलिए इसका भी हम पाउडर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तिल का भी हमने पाउडर बना लिया है, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से इनको पीसना है। अभी इसे भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं, बहुत ही कम टाइम लगता है और स्वाद इनका ऐसा आता है कि आपका मन नहीं भरेगा खाते खाते। तो देखिए यहाँ पर तिल का पाउडर बना लिया है। अभी उसी जार में जो हमने बादाम लिए हैं, बादाम का भी हम पाउडर बना लेते हैं। तो ढक्कन लगा देंगे और चलिए मिक्सी में इनको भी हम पीस लेते हैं। बादाम का भी पाउडर बना लिया है, ये देखिए ऐसे बहुत ही अच्छे से इसका भी बारीक पाउडर बना लेना है। अभी इसे भी एक प्लेट में निकाल देंगे और हम बाद में यूज करेंगे, तो इसे भी हम साइड में रख देते हैं। ये देखिए बादाम का भी पाउडर बनकर तैयार है। कढ़ाई रख दी है, तो कढ़ाई में 4 चम्मच मैंने ये देसी घी लिया है। अभी घी गर्म होने के बाद इसमें जो पीनट का पाउडर है वो डाल देंगे। अभी मीडियम आंच कर दी है, बिल्कुल तेज करेंगे तो जल जाएंगी और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा लड्डू में, तो आंच का ध्यान रखें। अभी यहाँ पर मीडियम लो आंच कर देंगे, एक मिनट तक हम इन्हें अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले भी पीनट को रोस्ट कर चुके हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ एक मिनट तक हम इन्हें पका लेंगे। उसके बाद यहाँ पर तिल का पाउडर डाल देंगे, ये देखिए। अभी तिल को भी हमने पहले रोस्ट कर लिया था, तो तिल को भी हमें ज़्यादा देर तक नहीं इसे पकाना है। तो यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम साइड रख देंगे। तो भी देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं और ये ठंडे हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हमने ये जो बादाम का पाउडर बनाया है ना, वो डाल देंगे इसके अंदर
यहाँ पर आप और भी ड्राई फ्रूट पीस कर डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। अभी यहाँ पर मैंने ये बूरा ली है, 1.5 कप यहाँ पर मैंने बूरा ली है। यदि आप कम खाते हो तो 1 कप भी ज़्यादा है। अभी यहाँ पर मैंने जो हरी इलायची होती है उसका पाउडर डाल दिया है, और जो साबुत हमने ये तिल रखे थे ना एक कटोरी में 3 से 4 चम्मच के करीब, वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अभी अच्छे से मिला देंगे। अभी इसके अंदर घी कम लग रहा है तो इसके अंदर अब हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी घी को गर्म कर लिया था, तो अभी घी डाल देंगे इसके अंदर, ताकि जो लड्डू हम बंधे ना लड्डू आसानी से बन जाए ना, इतना घी इसके अंदर डालना है। इसमें आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसके अंदर घी डालें ताकि लड्डू अच्छी तरह से बन जाए। तो अभी देखिए इसमें घी बहुत ही अच्छे से मिला लेंगे और इसके लड्डू बना लेते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार इसके बड़े छोटे जैसा भी चाहे आप लड्डू बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और सभी को ही पसंद आएंगे। अभी मकर संक्रांति का त्यौहार आने वाला है तो आप इन्हें ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये और सभी को पसंद आएंगे, बड़े बच्चों को सभी को। तो आप एक बार इसी तरीके से लड्डू ज़रूर बनाइएगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छा ये लड्डू बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो अभी सारे लड्डू ऐसे ही बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे बने हैं। देखने में भी कितने सुंदर लगते हैं और खाने में तो इनका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि मन नहीं भरेगा खाते खाते। तो यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बना लिए हैं और यहाँ पर एक प्लेट में मैंने ये रख लिए हैं। आप इन्हें 10 से 15 दिन तक या महीनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। आप इसी तरीके से एक बार इन लड्डू को ज़रूर बनाइएगा, मकर संक्रांति पर ज़रूर बनाइएगा लड्डू को, बहुत ही पसंद आएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ।